नजर डालते हैं दिलचस्प और अजीब खबरों पर। सऊदी नर्स ने आसमान पर खातून की जान बचाकर इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। सऊदी एयरलाइन के तैयारे में सफर करने वाली सऊदी नर्स ने होशियारी का मुजाहरा करते हुए जहाज में सवार एक खातून मुसाफिर को बचा लिया। ये परवाज रियाद शहर से रफा गवर्ती जा रही थी। दौरान परवाज खातून मुसाफिर अचानक बीमार हो गई और इसकी हालत नाजुक हो गई। गुज़श्ता रात रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट से दियारा रफा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ तो एक सऊदी खातून बेहोश हो गई और होश खो बैठी। गुमशुदा शिकार किट की तलाश करने वाली मोहम्मद शेरी की किस्मत खुल गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 67 साल रिजिट डिपोर्ट फॉर्मलैंड के इलाके शरोब शायद हिल्स में शिकार के लिए गई। उनकी शिकार करने वाली किट कहीं खो गई। उन्होंने अपने गुमशुदा शिकार किए साजो सामान वाली किट की तलाश के लिए मेटल डिटेक्टर और कोची कुत्ते की मदद ली। शिकारी रिजिट बोर्ड का कहना था कि कोची कुत्ते ने किट की तलाश के दौरान एक अहम मकाम की निशानदेही की तो इसी जगह में फौरी अपना मेटल डिटेक्टर वहीं से हासिल कर लिया। सऊदी अरब में मुकीम मोहम्मद उमर फारूक नामी पाकिस्तानी ने बिग लॉटरी टिकट की लाइव कुरानदाजी के दौरान नई कार जीत ली। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद उमर फारूक अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ काफी अरसे से सऊदी अरब में मुकीम हैं और वो मार्केटिंग कंपनी में काम करने के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात आते जाते रहते हैं। इसी दौरान मोहम्मद उमर फारूक ने मुत्तहिदा अरब अमारात से ड्रीम कार नामी लॉटरी खरीदी थी और खुशकिस्मती से कुरानदाजी में इनकी एस कार निकल आई जिसकी मालियत 3 लाख दिरहम है जो पाकिस्तानी रुपयों में 2,23,15,000 के लगभग बनती है। मोहम्मद उमर फारूक ने बताया कि वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए 2-3 साल से ये टिकट खरीद रही हैं और इस साल किस्मत मुझ पर बहुत मेहरबान साबित हुई है।